हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन फरमान। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है चिकन चिंगेजी। ये बहुत आसान तरीके से बनता है, ज़्यादा सामान की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर बहुत टेस्टी लगता है ये। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, हम आपका बना के दिखाते हैं। ये हमने चिकन ले लिया, दो टमाटर ले लिया हमने, ये जिसे हमने मोटा मोटा काटा है, ये हमें इसे पीसना है इस वजह से हमने इस तरीके से काटा है। थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा लहसुन लेना है इसमें हमने, एक ले लेना पूरा, आधा अदरक, दो कटी हुई प्याज बारीक, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें, दो तीन हरी मिर्च चाहिए, और एक दही है 250 ग्राम है लगभग, ये थोड़ा सा नींबू का रस है। आइए चले देखते कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एक चमची हमने कस्तूरी लाल मिर्ची ले लिए। इसके लिए हमने दही डाल लिए, दही सारी यूज नहीं करनी है, सिर्फ आधी यूज करनी है। एक नींबू का रस है, नमक अनुसार ले लेना जितना आपको चाहिए। अब इसको हाथ से अच्छे से चला लेते हैं। मैरिनेशन हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। इतना हमारा मैरिनेशन तैयार होता है, इतना हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, ऑयल डाल लेते हैं। इसमें पहले जीरा डाल लेते हैं, आप खड़े मसाले भी यूज कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, हमें पसंद नहीं तो हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो मसाला यूज करेंगे हम गर्म मसाले में। अब इसमें प्याज भी ऐड कर लेते हैं, प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन करने तक पकाना। लहसुन अदरक भी डाल लेते हैं इसमें, इसे भी फ्राई कर लेते हैं। हल्की सी प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हमें काजू भी ऐड कर देते हैं, साथ ही में हमें टमाटर भी ऐड कर लेते हैं। इसमें हम नमक भी ऐड कर लेते हैं, नमक हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे जो हमने पहले नमक डाला है। इसमें गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसके बाद हम आपको मिक्सी करके दिखाते हैं इसको। अब हम इसमें अपना ये भी ऐड कर देते हैं, हम अपने पेस्ट कर लेते हैं, उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल चढ़ा लिया। ऐसे हमें से हाई फ्लेम पे पकाना है। अब इसको हम दूसरी साइड से प्लेट से पका लेते हैं। आप देख सकते हो हमारे चिकन कितना चिपचिपदार हो गया है। अब हम इसको फ्लेम बंद कर देते हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं। उसी ऑयल को हम यूज कर रहे हैं, वो जो हमने मिक्सी करा था, हमने अपना पेस्ट वो ऐड कर देते हैं इसमें। हमने इसी मिक्सी के गिलास में अपना थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे कि हमारा सारा मसाला हट जाए मिक्सी में से। अब इसमें हम अपनी कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड कर लेते हैं, सारे मसाले यूज करेंगे हम इसमें। आधी चम्मच छोटी सी हल्दी, दो चम्मच छोटे से धनिया, नमक स्वाद अनुसार, हमने इसमें भी यूज करा था नमक, पिसा हुआ गर्म मसाला ये आधे चम्मच। अब इसको अच्छे से चला देते हैं। जो हमने दही रोकी थी शुरू में, अब इसमें अब ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, आधा जग हमने पानी डाला है छोटा सा जग है जो। अब इसमें इसे हम ढक के पका देते हैं। हमने ढक्कन हटा चुके थे, अब हम इसमें अपनी क्रीम यूज कर लेते हैं थोड़ी सी। अब इसे चला देते हैं। अब हम इसमें अपने सभी पीस ऐड कर देते हैं, हल्का सा पानी और लगा लेते हैं इसमें। अब इसको हम ढक्कन लगा के 10 मिनट तक पकाते हैं धीमी आंच पे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने ढक्कन हटा चुके थे। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है हमारी चिकन चिंगेजी, एकदम लरा रहा है। फाइनली ये तैयार हो चुकी है, हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया, अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। हमारी रेसिपी आप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना। थैंक यू सो मच। अब आपके लिए हम नई रेसिपी लेकर आएंगे अगली वीडियो में।